हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय एमबीएम मोबाइल रिपेयरिंग। तो आज एक कस्टमर का फोन आया है ओप्पो का, तो क्या प्रॉब्लम है जरा बताइए। ये डिस्प्ले चेंज करने के लिए आया है। ओके। और ज़्यादा करके जो दुकान वाले डिस्प्ले निकालते समय फिंगर का बेल्ट काट देते हैं, उसका रीज़न है ये जो मतलब सब में ऐसा होता है, खाली ये मॉडल में हो रहा है। कौन सा मॉडल है? ओप्पो एफ थ्री में ही ज़्यादा करके होता है। ओप्पो एफ थ्री में ज़्यादा करके इसलिए होता है क्योंकि जो फिंगर का बेल्ट है वो ज़्यादा करके लोगों को क्या लगता है डिस्प्ले के साथ कनेक्ट है, लेकिन डिस्प्ले जैसे हाथ में आते वैसे डिस्प्ले यहाँ से कंट्रोल है, क्योंकि यहाँ से बेंड होके डिस्प्ले बेल्ट गया होता है। और पहले तो फिंगर का बेल्ट कहाँ लगा है पहले बताओ मेरे को, ये वाला है। और यहाँ से निकालते समय लोग कितने सारे काट देते बेल्ट, तो ये क्या गम मारा हुआ है? हाँ, कंपनी का फिटिंग आता है इसलिए खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसको खींचेंगे तो टूट जाएगा? खींचना नहीं है, खींचा खाची करोगे तो मतलब क्या हुआ, कारीगर थोड़ी हुआ जाम। ट्रिक क्या बता रहे हो आप? ट्रिक में तो ऐसा है कि इसके नीचे लिक्विड डालो, पानी का नहीं, क्या ये क्या है पहले बताओ तो सही। हमारे क्लीनर है, पीसीबी क्लीनर है। ओके, ऑलरेडी अपना डालने से पहले से ही खराब है नीचे वाला, और नया डालना ही है तो खराब होने के कोई चांसेस ही नहीं है। बराबर, दबा के डाल दो तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगा। दिक्कत तो क्या है, बेल्ट ना कटे, बस इतनी सावधानी रखनी है अपने को। बराबर, उसके नीचे से हल्के से कोई नुकीली चीज डालो कि जिससे वो निकल आए, बेल्ट ना कटे, इतना ध्यान देना है। धीरे धीरे बाहर आएगा सर। धीरे धीरे निकालना है, जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। जहाँ जोर ज़बरदस्ती हो गई वहाँ समझ जाओ नुकसान अपना ही है। निकल गया। आप देख सकते हो ये अपना बेल्ट आराम से बिना जोर ज़बरदस्ती निकल चुका है। तो देख लो गाइस, ये महेश भाई ने लिक्विड डालकर आराम से इसका गम छोड़ दिया है, अब ये बाहर आ चुका है और बिना टूटे, तो हमारा नुकसान होते होते बच गया। जो नए लगते हो, और ये चीज कोई यूट्यूब पे कोई चैनल पे किसी पे नहीं, मैंने खुद ने देखा है, आप नहीं थे तो ये मेरे पास आया था। ये ऐसा खींचा जाता है, हाँ। वो डिस्प्ले अगर वहाँ बेल्ट लगा हुआ है तो 100% चांसेस थे तो ये फिंगर का बेल्ट कट जाता। बराबर, अब ये डिस्प्ले देखो अलग हो रहा है। अरे क्या हुआ, लॉक आता है क्या? लॉक आता है, आराम से निकालना है। कोई पहले ध्यान देना है कि ऊपर का बेल्ट सब निकाल लिया है। तो पत्ता यूज़ कर दो ना। पत्ता तो यूज़ करते हैं तो ऑलरेडी डैमेज डिस्प्ले है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये फिंगर आराम से निकालना है क्योंकि ऑलरेडी डिस्प्ले अपनी टूटी हुई है। फिंगर मतलब निकालना पड़ेगा? हाँ निकालना पड़ेगा, उसमें भी गम मारा हुआ है किसी। ओह, तो मतलब दूसरे डिस्प्ले जो आते हैं उनमें फिंगर नहीं आता, अलग से लेना पड़ता है? फिंगर कहाँ से आता, मैं आपको नई डिस्प्ले भी दिखाऊंगा, उसमें भी दिखाया जाएगा कि इसको कैसे लगाना है। देखो कंपनी का फिटिंग कैसे है, देखो एकदम बढ़िया से, पता ही नहीं चलेगा कि ये डिस्प्ले के साथ है कि अलग से है। मैं होता तो फेंक दिया होता। हाँ वो तो अभी क्या नहीं, अब इसमें भी वही ट्रिक सेम यूज़ करनी है, लिक्विड डालना, कंपनी का गम है और डिस्प्ले अपना ये ऑलरेडी ख़राब ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिक्विड डाल, कोई दिक्कत नहीं है। खाली नए में लगाते समय लिक्विड का यूज़ नहीं करना है। जैसे जैसे हल्का हल्का अंदर जाता जाएगा वैसे वैसे वो गम छोड़ता जाएगा। ध्यान देना है फिंगर पे स्क्रैचेस हो गए। आप देख सकते हो जैसे जैसे गम जा रहा है वैसे वैसे डिस्प्ले फिंगर छोड़ रहा है। ये देख सकते हो निकल गया है फिंगर, ये डिस्प्ले का इससे फिंगर बाहर आ गया ऐसा सेफली अपने फिंगर निकाल दिया। तो ये जो दूसरा नया डिस्प्ले है उसमें लग जाएगा? हाँ ये लग जाएगा। तो
तो गाइस देख लो आप, ये चीज़ पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मेन ज़्यादातर सबसे प्रॉब्लम बड़ी यही आती है कि जो मेरे को भी यहाँ तक लग रहा था कि ये भाई ये फिंगर का मतलब डिस्प्ले का कोई बेल्ट है, तो वैसे डिस्प्ले टूटी ये तो खींच देते अपन टूट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, एकदम ये चीज़ अलग थी। इसका जो फिंगर का बेल्ट है डिस्प्ले के साथ जुड़ा रहता है, तो ध्यान रखें आप लोग, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।